हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल असम एजुकेशनल लिस्ट। गाइस, आज हम नए वीडियो लेकर आए जो JNM टॉपिक्स होगा। ये पार्ट नंबर 3 बेसिस और बेस्ट MCQ क्वेश्चन से आने वाला है और जनरल साइंस के ऊपर हमें ऐसे प्रकार के JNM एग्जाम्स को ये कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते सेशन की ओर। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ऑप्शन में वेन, आर्टरी, कैपिलरी एंड नर्व। जो आपका राइट आंसर होने वाला है, आर्टरी होगा आपका राइट आंसर है। और एक्सप्लेनेशन भी हमने करके रखा हुआ है, आप अपने तरफ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेंबर नहीं है, विटामिन बी पाया नहीं जाती है। ऑप्शन में थियामाइन, रिबोफ्लेविन, ऑप्शन सी में फोलिक एसिड एंड ऑप्शन डी में एब्सोर्बिक एसिड। जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आपका राइट आंसर है। अगर आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन, आप अपने तरफ से पढ़ सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। फंजाई आर प्लांट्स डेट आर लैक। फंजाई डेट आर लैक ऑफ क्या है, इन चारों में से कौन सा है जो लैक है, मतलब कमियां है। ऑप्शन में कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल एंड नॉन ऑफ दिस। जो आपका राइट आंसर होगा, फंजाई आर प्लांट डेट आर लैक ऑफ क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल फंजाई का लैक ऑफ होता है, कमियां होता है, अगर वो होने से ये वाला पूरा कॉम्प्लीट होगा, फुलफिल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस एक्सप्लेनेशन में देख लें, चलिए पढ़ के सुना देते हैं। वी नो प्लांट्स डेट प्रिपेयर देयर ऑन फूड सो आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस डेट मेक फूड इन विच दे प्रोड्यूस ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाई प्लांट्स विच आर फर्दर यूज बाई ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स, बट फंजाई लैक ऑफ क्लोरोफिल डू नॉट एंगेज इन फोटोसिंथेसिस। इस कारण लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है फंजाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, व्हाट मेक्स ए रेप्टाइल ए रेप्टाइल। इनमें से कौन सा चीज बनाती है रेप्टाइल। ऑप्शन में कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, नॉन हियरिंग एंड एग लेइंग। जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एग लेइंग आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 होगा, विच ब्लड वेसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर। इनमें से कौन सा ब्लड वेसल जिसका स्मॉलेस्ट डायमीटर है। ऑप्शन में कैपिलरीज, आर्टेरियोलेस, वेन्यूल्स, लिम्फेटिक। जो आपका राइट आंसर होगा कैपिलरीज का स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है, कैपिलरीज ब्लड वेसल्स जिसका स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला क्वेश्चन नंबर 6 होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिजीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एयरबोर्न डिजीज होता है, मिसेल्स, टाइफॉइड, पिंक आई एंड नॉन ऑफ दिस। जो आपका राइट आंसर होगा मिसेल्स ऑप्शन नंबर ए होगा, और इनमें से यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन करके रखा हुआ, आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा तभी आपको समझ में आएंगे। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 7। ए येलो डस्ट अपीयर्स ऑन द फंजाई व्हेनेवर वी टच द मिडिल ऑफ ए फ्लावर। दिस टाइनी येलो ग्रेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस इन नेचर बिकॉज दे कॉन्टेन द सीक्रेट ऑफ प्लांट लाइफ। व्हाट इज डस्ट कॉल्ड। ए येलो डस्ट अपीयर्स ऑन द फिंगर्स व्हेन वी टच द मिडिल ऑफ ए फ्लावर। इसको क्या बोलते हैं, जब हम उस फ्लावर को
एंड येलो डस्ट अपीयर्स। जब हम फ्लावर्स को टच करते हैं मिडिल ऑफ ए फ्लावर, उसी समय में जब येलो डस्ट अपीयर्स होता है फिंगर्स में, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन में पोलन, पोलन स्पर्म स्पोर एंड स्पोरोसाइट। जो पर राइट आंसर होगा पोलन के कारण जब हम फ्लावर को टच करते हैं, येलो डस्ट अपीयर्स ऑन फिंगर्स में जब होते हैं, इस पोलन के कारण येलो होता है, येलो डस्ट अपीयर होता है फिंगर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस द फ्लूड नोन एज बाइल। इनमें से कौन सा बॉडी जो प्रोड्यूस करता है फ्लूड नोन एज बाइल्स? ऑप्शन में लीवर, पेनक्रीज, गोल ब्लाडर एंड किडनी। जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज ए स्टेरॉइड। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो हार्मोन है जो स्टेरॉइड है? एस्ट्रोजन, ग्लाइकोगेन, ग्लाइकोजन, इंसुलिन एंड ओसिक ऑक्सीटोक्सिन। जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एस्ट्रोजन है आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 10 में पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फंक्शन ऑफ लीवर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो फंक्शन ऑफ ए लीवर नहीं है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, एंजाइम एक्टिवेशन, डेटॉक्सिफिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मेन फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट होता है? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस एंटीजेंस, प्रोड्यूस व्हाइट ब्लड सेल्स, और इसमें लिखा गया ओनली वन, बोथ टू एंड थ्री फॉलोस, बोथ सी वन एंड थ्री, एंड ऑप्शन डी में लिखा गया वन टू थ्री। जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज होता है आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 12, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंसुलिन इज अ फैट स्टोरेज हार्मोन डेट इज रिलीज बाय द पेनक्रीज एंड रेगुलेट्स मेटाबोलिक प्रोसेस। मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पीनियल ग्लैंड इन द ब्रेन व्हिच कंट्रोल स्लीप एंड वॉक साइकल्स। चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन एम ए वन वन ओनली वन, ऑप्शन बी में ओनली टू, ऑप्शन सी में वन एंड टू, एंड ऑप्शन डी में नाइदर वन और टू। जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बोथ वन एंड टू फॉलोस। दोस्तों आपसे गुजारिश है मेरे चैनल के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये मेरी नई चैनल है। इस चैनल को आगे बढ़ने के लिए आप सभी लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। आज के लिए इतने, हैव अ नाइस डे।